चाचा ये बताओ आज तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? अरे बेटे उधर आज हाँ चाचा अरे तुमको मालूम होना चाहिए ये शहर में होबा है हर जगह रहते रात दरबार में तुम और मेरा बेटा जिसे कहते हैं आला अरे रात दरबार में नहीं आते हो मेरा जी नहीं लगता तो बताओ लेकिन जब हम तुम भैया दरबार में आते थे हाँ तो तुम हंसते थे लेकिन आज उदासी क्यों छाई है? अरे बेटे उधर आज क्या उदासी का कारण पूछना चाहते हो? हाँ तो सुनो मेरी बात को बेटे उधर आज उदासी का कारण क्या है मैं अवश्य बताऊंगा कहो सुनो मेरी बात को अरे टूटा पांडई बिरथी चौरा कई शहर की लूट मांग रहे इसीलिए आप हार इसीलिए मेरा दिल उदास है मेरा चेहरा उदास है उदासी का कारण यही है बेटे चाचा कहो तुम साले पृथ्वीराज की बात करते हो सुनो मेरी बात को कहो बेटे मैं सुन रहा हूँ राज की बेटी ब्याला सर्वे मैंने जबरदस्ती करवा दिया हाँ तब साले की मत भी कहा गई थी जो उधर आज से साला पंगा नहीं लिया और पृथ्वीराज को दंड मान के सातों भावन करवा लिया लेकिन चाचा तो थोड़ी लेकिन बेटे उधर आज हाँ आज वही पृथ्वीराज भव्य की लूट मांगा चाचा आज जब तक मैं और दादा मौजूद हूँ लूट तो लूट लेकिन चाचा कहो बेटे उधर आज खुश हो जाओ और लगे डर छाया एक ही नाम बेटे उधर आज एक बार हंसता अरे नहीं साले को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा अरे जब तक मेरे आला उधर आज मेरे बेटे तो चिंता है तब तक चिट्ठी क्या साला कुछ निकले एक फूटी चाचा हाथ एक बार बेटे उधर आज आप ऐसे दादाजी देखिए बुढ़ापा सबके पास आता है क्यों लड़काई साथ छोड़ देती जवानी साथ छोड़ देती है लेकिन बुढ़ापा साथ नहीं छोड़ता है नहीं छोड़ता है आज मेरे चाचा तो पृथ्वीराज की भय है अरे इनको भय बन गई है लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनके पहले पर आधा और उदयराज लेकिन चाचा कोई प्राणी आ जाए तुम धमकान डराने से मत आना मैं और दादा थोड़ी देर के दरबार जा रहा हूँ अभी चाय नाश्ता करके तुम्हें दरबार अवश्य आ जाऊंगा ठीक है लेकिन चाचा ऐसा कोई कदम मत उठाना हाँ पहले मुझसे सलाह ले लेना अरे क्या हालत में कहते हैं जिनके लड़का समरता भरी के अरे क्या